Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will start our new topic, that is lung anatomy. Come under the chapter of respiratory system. भाई आप जानते हैं हमने पिछली तीन क्लासेस से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका इंट्रो मैंने आपको बताया था. रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी हमने पढ़ ली थी, फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली थी और कैसे इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल करती है, वो भी चीज़ें हम लोगों ने अपनी उस तीन क्लासेस के अंदर ही पढ़ ली थी. अपनी थर्ड क्लास में हमने कंट्रोल ही पढ़ा था. उस समय मैंने आपको बोला था कि अब इन चीज़ों को जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें वही पोर्शन लेना है. तो वही पोर्शन अपन ले रहे हैं. तो सबसे पहले डिटेल क्लास में अपन लंग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उसके बाद कल हम फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की. तो देखिए लंग एनाटॉमी, लंग जो है हमारे रेस्पिरेटरी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो पेयर में पाए जाते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर. थोरेसिक कैविटी में पेयर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो सिचुएटेड हैं उन्हीं को हम लंग्स कहते हैं. हर एक लंग जो है इनर्वेट होता है अपनी प्लूरल कैविटी के अंदर. यंग एज में लंग्स जो होते हैं ब्राउन से ग्रे कलर के होते हैं. बाद में धीरे धीरे ये मॉटल्ड ब्लैक कलर के हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं. तो उन कार्बन पार्टिकल की वजह से इनका कलर ब्राउन से ब्लैक हो जाता है. राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और 700 ग्राम का होता है और लेफ़्ट लंग से लगभग 50 से 100 ग्राम ये भारी होता है. तो लेफ़्ट लंग कितना हुआ, लगभग 650 या 600 ग्राम का लेफ़्ट लंग होता है और 700 ग्राम का राइट लंग होता है जो थोड़ा हैवी होता है. जो हमने पढ़ा था ना राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, फिशर के थ्रू डिवाइडेड रहते हैं. दोनों लंग्स कॉनिकल शेप के होते हैं जिसमें एपेक्स और बेस दो रीजन होते हैं. एपेक्स अपर एंड पर होता है, बेस जो है वो डायफ्राम पर रेस्ट करता हुआ होता है. जिसके इस लंग के 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर. 2 सरफेसेस होती हैं, कॉस्टल और मीडियल. 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस. 3 बॉर्डर हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और 2 सरफेसेस हैं, कॉस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस. अब जो इसका रीज़न है, सबसे पहला अपन जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हमने कहा कि भाई एपेक्स और बेस दो रीजन होते हैं. एपेक्स जो होता है फर्स्ट रिब के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक. मीडियल 1/3 क्लाविकल के अबाव देखने को मिलता है और जस्ट मीडियल टू सुप्रा क्लाविकल फॉसा. क्लाविकल से थोड़ा सा ऊपर मीडियल के ऊपर और सुप्रा क्लाविकल फॉसा के एकदम मीडियल में ये लोकेटेड होता है. जबकि इसका बेस जो है वो डायफ्राम पर रेस्ट करता हुआ होता है और राइट लंग को लीवर के लेफ्ट लोब से सेपरेट करता है. और लेफ्ट लंग जो है वो लीवर के लेफ्ट लोब से सेपरेटेड होता है. स्टमक के फंडस और स्प्लीन इन सब के कांटेक्ट में होता है. मतलब कौन सी चीज़ किसके से कांटेक्ट में वो बताई गई है. जो लेफ्ट लंग होता है वो लीवर के लेफ्ट लोब, स्टमक के फंडस और स्प्लीन से सेपरेटेड रहता है जबकि राइट लंग लीवर के राइट लोब से सेपरेट होता है. अब बॉर्डर जो 3 तरह के थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर. एंटीरियर बॉर्डर जो है लेफ्ट लंग का वाइड कार्डियक नॉच को शो करता है 4th कॉस्टल कार्टिलेज के नीचे. एंटीरियर बॉर्डर 4th कॉस्टल कार्टिलेज के नीचे वाइड कार्डियक नॉच को शो करता है. हार्ट और पेरिकार्डियम लंग से अनकवर्ड रहते हैं नॉच वाले रीजन में, क्योंकि नॉच जो था हमने कहा कार्डियक नॉच है जिसको अपन ने वाइट कार्डियक नॉच कहा. तो ये नॉच जो नॉच वाला भाग है, नॉच वाले भाग में लंग जो है वो हार्ट और पेरिकार्डियम को अनकवर्ड करता है. मतलब वहाँ पर उसका कवरिंग उसकी नहीं होती, वो डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में होता है. पोस्टर बॉर्डर रिब्स के हेड्स के मीडियल मार्जिन के कॉरेस्पॉन्ड होता है. ये एक्सटेंड हुआ हुआ रहता है 7th सर्वाइकल स्पाइन से 10th थोरेसिक स्पाइन तक. इन्फीरियर बॉर्डर बेस को कॉस्टल मीडियल सरफेसेस से सेपरेट करता है.
कोस्टल सरफेस, अब ये तो तीन बॉर्डर ख़त्म, अब दो सरफेस जो इसकी थी, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस लार्ज और कॉन्वेक्स शेप की होती है, ये कोस्टल प्लूरा से जुड़ी हुई होती है थोरेसिक वॉल के ऊपर, थोरेसिक वॉल के ऊपर कोस्टल प्लूरा से जुड़ी हुई रहती है कोस्टल सरफेस, जो कि काफ़ी लार्ज और कॉन्वेक्स शेप की होती है। जबकि मीडियल सरफेस के दो पार्ट्स होते हैं, वर्टिब्रल पार्ट और मीडियास्टिनल पार्ट। मीडियास्टिनल पार्ट कार्डिक इम्प्रेशन को शो करते हैं, जिसको अपन हाइलम कहते हैं, कार्डिक इम्प्रेशन जिसको अपन हाइलम कह रहे हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें लंग्स की फिशर्स और लोब्स दिखाए गए हैं। फिशर से ही लोब्स बनती हैं, अगर एक फिशर है दो लोब बनेंगे, और दो फिशर है तो तीन लोब्स बनेंगे। राइट लंग तीन लोब्स में डिवाइड रहते हैं, कि दो फिशर्स हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल होता है। जबकि लेफ्ट लंग दो लोब्स में डिवाइड रहता है एक ऑब्लिक फिशर के द्वारा। तो ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, लेफ्ट में ऑब्लिक फिशर और राइट में दो एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी ऑब्लिक फिशर है। तो सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब, ये तो राइट में है, और सुपीरियर और इन्फीरियर है आपके लेफ्ट लंग के अंदर। ऑब्लिक फिशर जो है लंग को पूरी थिकनेस के से काट रही होती है, सिर्फ हाइलम पे नहीं काटती। ऑब्लिक प्लेन फिशर के इस ऑब्लिक प्लेन की वजह से लोअर लोब जो है वो ज़्यादा पोस्टीरियर होती है, और अपर और मिडल लोब ज़्यादा एंटीरियर होती है। जबकि राइट लंग के अंदर हॉरिजॉन्टल फिशर पास होती है एंटीरियर बॉर्डर से ऑब्लिक फिशर तक, और सेपरेट करती है एक वेज शेप के मिडल लोब को अपर लोब से, वेज शेप के मिडल लोब को अपर लोब से सेपरेट करती है। अब एक टंग शेप का प्रोजेक्शन लेफ्ट लंग के लंग से निकलता है, लेफ्ट लंग का एक टंग शेप का प्रोजेक्शन जो कार्डिक नर्व से नीचे होता है, उसको अपन लिंग्यूला कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए भाई, ये लाइन, ये लिंग्यूला नाम मैंने पहले आपको नहीं बताया था इंट्रो वाली क्लास में, क्या है। लेफ्ट लंग से एक टंग शेप का प्रोजेक्शन कार्डिक नॉच से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जिसको अपन लिंग्यूला कहते हैं। ये राइट लंग के मिडल लोब से कॉरेस्पॉन्ड होता है, उसके जैसा ही लगता है। ये लंग जो है वो एक्सपैंड होते हैं मैक्सिमली अपने इन्फीरियर डायरेक्शन में, सुपीरियर में नहीं, या ना ही दूसरे रीजन में। लंग अपने इन्फीरियर डायरेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सपैंड होते हैं, क्योंकि थोरेसिक वॉल और डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमल होता है लंग के बेस की तरफ। लंग के बेस तरफ ही तो मूव करे, डायफ्राम है ही बेस पर ही, तो थोरेसिक वॉल और डायफ्राम जो होते हैं लंग के बेस की तरफ मैक्सिमल उस साइड मूव करते हैं। इसी वजह से लंग जो है वो इन्फीरियर डायरेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सपैंड होते हैं। और हर एक लंग के अंदर ऑब्लिक फिशर होती है, जिससे कि पूरे लंग का यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से तो ये फैली और कहीं से नहीं फैल पाई है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा फैली, ये नहीं होता। एकदम यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है अपनी ऑब्लिक फिशर की वजह से, ऐसा लंग शो करता है। क्योंकि ऑब्लिक फिशर अपन ने डायग्राम में देखा दोनों लंग्स में, लेफ्ट लंग में भी है और राइट लंग के अंदर भी है। अब लंग के रूट, लंग के रूट जो हैं वो छोटे होते हैं, ब्रॉड पेडिकल होता है, जो कि लंग के मीडियल सरफेस को मीडियास्टिनम से जोड़ने का काम करते हैं। ब्रॉड पेडिकल, छोटे ब्रॉड पेडिकल जो है वो लंग की रूट बनाते हैं, और वो मीडियल सरफेस को लंग की मीडियल सरफेस को मीडियास्टिनम से जोड़ते हैं। ये एक स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जो कि या तो लंग के अंदर या लंग से बाहर हाइलम से निकलती है, हाइलम से लंग के अंदर या बाहर आ जा रही होती है। अब लंग के जो रूट है, जो अपन ने ऊपर बोला कि भाई ब्रॉड पेडिकल हैं, ये रूट जो है ये फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ थोरेसिक वर्टिब्री की बॉडी के अपोजिट होते हैं। लंग के रूट्स फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ थोरेसिक बॉडी के अपोजिट पाए जाते हैं। अब लंग के रूट में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, तो भाई सबसे पहला प्रिंसिपल ब्रोंकस जो लेफ्ट साइड पर होता है, और ई पैराइट्रल और हाइपो आर्ट्रियल, एप आर्ट्रियल इसको कह दीजिए, एप आर्ट्रियल और हाइप आर्ट्रियल ब्रोंकाई जो राइट साइड पे होते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड पे प्रिंसिपल ब्रोंकस और राइट साइड पर एप आर्ट्रियल और हाइप आर्ट्रियल ब्रोंकाई पाई जाती है। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, दो पल्मोनरी वेन सुपीरियर इन्फीरियर पाई जाती हैं। भाई इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके कई बार ब्लड सप्लाई
पर्टिकुलर ऑर्गन्स या पर्टिकुलर सिस्टम के ब्लड सप्लाईज पूछ लेते हैं, तो ब्लड सप्लाईज में पहले आपको आर्टरीज वेन्स पता होनी चाहिए। तो ये लंग के रूट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, ध्यान से पढ़ लीजिए। अपन ने कहा लेफ्ट साइड में तो प्रिंसिपल ब्रोंकस है और राइट साइड के अंदर एपार्टियल हेपार्ट्रियल ब्रोंकाई होती है। एक पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है, दो पल्मोनरी वेन्स जो सुपीरियर इन्फीरियर होती है वो पाई जाती है। ब्रोंकियल आर्टरीज जो होती है वो एक तो होती है राइट साइड पे और दो होती है लेफ्ट साइड पे। फिर ब्रोंकियल वेन की बात की गई है। फिर एंटीरियर पोस्टर पल्मोनरी प्लेक्सस होते हैं नर्व्स के, इसमें लंग के लिम्फेटिक्स होते हैं, ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, एरियोलर टिश्यू, ये लंग के रूट बनाती हैं नौ चीज़ें मिलकर के। ये पूरा ब्रोंकियल ट्री मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में जहाँ इंट्रो मैंने पढ़ाया था वहाँ ये चीज़ पूरी पढ़ाई थी। ऊपर से ट्रेकिया आता हुआ ये एक साइड दिखाया गया है, ट्रेकिया से लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट है, वरना सीधा बोल दो ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी ब्रोंकस, आगे जाकर के वो और डिवाइड हो गया तो टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस और डिवाइड हो गया ब्रोंकियोल्स में तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल कहाँ खुल रहे हैं, एल्वियोलर सैक के अंदर खुलते हैं। अब ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट देखिए भाई, हमने लंग्स की रूट देख ली, लंग्स की रूट के अंदर ब्रोंकियल पार्ट बताया गया था, आर्टरी वेन्स बताई गई थी, नर्व्स बताई गई थी और लिम्फ बताई गई थी, टोटल नौ पार्ट्स थे। अब पल्मोनरी सेगमेंट्स के ब्रोंको पार्ट को अपन देख रहे हैं, ये वेल डिफाइंड सेक्टर्स होते हैं लंग के, जो कि उनमें से हर एक, ईच वन ऑफ विच इज एरेटेड बाय अ टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकस। लंग के वेल डिफाइंड सेगमेंट्स हैं, टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकल से एरेटेड रहते हैं। हर एक सेगमेंट एक पिरामिडल शेप का होता है जिसकी एपेक्स होती है लंग के रूट की तरफ। ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स जो होते हैं वो इनडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट्स होती हैं, ये पिरामिडल शेप के होते हैं, इनका एपेक्स लंग के रूट की तरफ होता है। लंग के रूट अभी अपन ने नौ पढ़े थे, और कैसे दिखाए थे, वेल डिफाइंड सेक्टर्स होते हैं लंग के जो कि टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकल से एरेटेड रहते हैं। अब ये लेफ्ट लंग के ब्रोंको पल्मोना सेगमेंट दिखाए गए हैं, देखो डायग्राम भी और पार्ट के नाम भी। तो देखो लेफ्ट लंग में दो पार्ट्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, क्योंकि एक फिशर दो पार्ट्स, तो अपर लोब में सुपीरियर एंटीरियर पोस्टर सुपीरियर लिंगुलर इन्फीरियर लिंगुलर, इसी तरह से लोअर लोब में सुपीरियर मीडियल बेस एंटीरियर बेसल लेटरल बेसल पोस्टियर बेसल, ऐसे पार्ट्स हैं। ये डायग्राम देखिए भाई, इसके अंदर ये मार्किंग बताई गई है। अब राइट लंग के वैसे राइट लंग में है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, क्योंकि इसमें तीन लोब होते हैं, दो फिशर और तीन लोब्स होते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर अच्छे से ये गहरी वो जो ब्लैक लाइनिंग है वो आपकी लाइनिंग जो है क्या बता रही है, फिशर को बता रही है। यहाँ पर देखो एक ही फिशर है तो दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो फिशर्स हैं तो तीन लोब दिखाई दे रहे हैं, अपर लोब मीडियल लोब और लोअर लोब। अपर लोब में एपिकल एंटीरियर पोस्टियर रीजन है, मिडिल लोब में मीडियल और लेटरल रीजन है, और लोअर लोब में सुपीरियर मीडियल बेस एंटीरियर बेस लेटरल बेसल और पोस्टियर बेसल रीजन्स पाए जाते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रोंकाई को एकम्पनीड करती हैं। आर्टरी ब्रोंकस के डोर्सोलेटरल पार्ट पे पाई जाती है, जुड़ी हुई होती है डोर्सोलेटरल पार्ट से। तो हर एक सेगमेंट दस ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन सेपरेट आर्टरी, क्योंकि डोर्सोलेटरल रीजन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, लंग के हर एक सेगमेंट के पास अपनी पर्सनल आर्टरी है, वो इंडिपेंडेंट रीजन इसीलिए कह रहे हैं। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ब्रोंकाई को एकम्पनीड नहीं करती हैं, या पल्मोनरी आर्टरी को एक कंपोनेंट नहीं करती है। पल्मोनरी आर्टरी तो ब्रोंकाई को एक कंपोनेंट कर रही थी, तो पल्मोनरी वेन ना तो ब्रोंकाई को ना ही पल्मोनरी आर्टरी को एक कंपोनेंट करती है। ये सेगमेंटल इंटर सेगमेंटल प्लेन्स
में ही रन करती रहती हैं। तो हर एक सेगमेंट के पास एक से ज़्यादा वेन होती है, आर्टरी हर एक के पास अपनी एक आर्टरी है और हर एक सेगमेंट के पास अपनी एक से ज़्यादा वेन होती है। हर एक वेन जो है वो ड्रेन करती है एक से ज़्यादा सेगमेंट को, वो ड्रेन करती है। एक से ज़्यादा वेन होती हैं और एक से ज़्यादा सेगमेंट को हर एक वेन जो है वो ड्रेन करती है। यूजुअली जो सेगमेंट का इन्फेक्शन है वो उसी जगह तक रहता है, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उस जगह तक रहता है, और कई बार ऑल्दो रिमेन्स एसिडिक टू इट, ऑल्दो सम इन्फेक्शंस, कुछ तो होता है जो उसी जगह पर रहता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो स्प्रेड भी कर जाते हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस। अधिकतर तो हम बोल रहे हैं कि जो इन्फेक्शन होते हैं लंग के, वो जिस सेगमेंट में होते हैं उसी सेगमेंट में रहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, आप आगे सर्जरी वगैरह सब्जेक्ट जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अपन जब डिजीज़ पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो हम ऐसे पढ़ते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ अलग और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ अलग। पर जब हम टीबी पढ़ते हैं तो कोई अपर लोअर नहीं होता, टीबी पूरे लंग को कवर करती है, पूरे लंग की बीमारी है टीबी। तो ये कोई एक जगह नहीं रहती, यानी एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक ये स्प्रेड करती रहती है। हाउएवर द सेगमेंट्स आर नो बैरियर्स टू द स्प्रेड ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसी तरह से अगर कैंसर है तो वो भी सेगमेंट से सेपरेटेड नहीं होता, वो भी आराम से फैलता है उसको, जहाँ जहाँ जितना जितना फैलना है। तो टीबी जैसी कई और बीमारियाँ होती हैं जो सेगमेंट तक नहीं रहती, उनमें से कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो सेगमेंट तक नहीं रहती, वो भी सब जगह फैलती है। अब आ जाइए सप्लाई के ऊपर, जिस पे आपके कई बार अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं। तो आर्टरियल सप्लाई, राइट साइड पर एक ब्रोंकियल आर्टरी जो कि या तो थर्ड पोस्टर इंटरकॉस्टल आर्टरी से अराइज होती है या अपर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी से अराइज होती है, वो राइट साइड को सप्लाई करती है। एक ब्रोंकियल आर्टरी जो या तो थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से या अपर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी से अराइज होती है, वो सप्लाई कर रही है राइट साइड को, जबकि लेफ्ट साइड को दो ब्रोंकियल आर्टरीज जो कि डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा से अराइज होती हैं वो लेफ्ट साइड को सप्लाई करती हैं। यहाँ पर प्री कैपिलरी एनास्टमोसिस होता है ब्रोंकियल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये एनास्टमोसिस वर्ड आपके पहले भी आया है, जहाँ पर अपन ने ब्लड पढ़ा था, सीवीएस जब पढ़ा था ना, वहाँ एनास्टमोसिस आया था। क्या होता है खुद देखिएगा। ये कनेक्शंस हैं, दीज कनेक्शंस एनलार्ज व्हेन एनी वन ऑफ देम इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन डिसीज। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये अपन ने सप्लाई बताई, भाई राइट साइड में तो एक ब्रोंकियल आर्टरी आ रही, लेफ्ट साइड में दो ब्रोंकियल आर्टरी आ रही है, इसमें प्री कैपिलरी एनास्टमोसिस होता है ब्रोंकियल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ये कनेक्शंस एनलार्ज हो जाते हैं अगर कोई भी आर्टरी इनमें से ब्लॉक्ड हो जाती है किसी डिजीज़ की वजह से। ये तो आर्टरी के बारे में। अब वीनस, दो ब्रोंकियल वेन्स दोनों साइड पाई जा रही होती हैं, मतलब एक एक साइड पाई जा रही हैं। राइट ब्रोंकियल वेन जो है वो एजाइगस वेन में ड्रेन होती है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकियल वेन जो है वो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन में ड्रेन होती है या हेमी एजाइगस वेन में ड्रेन होती है। वीनस ब्लड का बहुत बड़ा पार्ट लंग से आता हुआ पल्मोनरी वेन के द्वारा ड्रेन होता है। तीन पॉइंट्स वीनस के बारे में बताएं कि भाई दो ब्रोंकियल वेन हैं दोनों साइड पे, हर एक जो राइट ब्रोंकियल वेन है वो एजाइगस वेन में, जबकि लेफ्ट ब्रोंकियल वेन जो है वो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन में या हेमी एजाइगस वेन के अंदर ड्रेन होती है। और लंग से वीनस ब्लड का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा ड्रेन होता है। तो ये तो आर्टरी और वेन्स के बारे में। अब नर्व सप्लाई, पैरा सिंपथैटिक नर्व्स जो हैं वो वेगस से डिराइव होती हैं। ये फाइबर्स हैं मोटर और सीक्रेटो मोटर और सेंसरी फाइबर्स, मोटर ब्रोंकियल मसल तक और स्टिमुलेट होते हैं एंड ऑन स्टिमुलेशन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकियल मसल द्वारा स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेशन के कारण इनके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म पाया जाता है, जबकि सीक्रेटो मोटर म्यूकस ग्लैंड तक रहते हैं, उसके साथ कनेक्शन है ब्रोंकियल ट्री के म्यूकस ग्लैंड तक। सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो लंग के स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कफ रिफ्लेक्स के लिए, लंग में स्ट्रेचिंग और
कफ का रिफ्लेक्स आ रहा होता है तो उसके लिए सेंसरी फाइबर्स हैं, ब्रोंकियल ट्री के म्यूकस ग्लैंड सीक्रेटो मोटर से जुड़े हुए हैं और ब्रोंकियल मसल से मोटर नर्व जुड़ी हुई हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाती हैं और ब्रोंकोस्पासम कॉज कर देती है अगर उनको स्टिमुलेशन मिले तो। अब सिंपथेटिक नर्व्स देखिए जो कि सेकंड से फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट से डिराइव होती हैं, ये ब्रोंकियल ट्री की ग्लैंड और स्मूथ मसल्स को इनहिबिट करती हैं। ब्रोंकियल ट्री की ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स को इनहिबिटरी का काम करती है सिंपथेटिक नर्व्स। अब सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्व्स अपन ने ANS के अंदर पढ़ी थी जहाँ आपने ब्रोंकोस्पाज़म, ब्रोंकोडाइलेशन दो अलग अलग रोल थे, दो अलग अलग नर्वस सिस्टम के जो आपने पढ़े थे। दिस इज़ हाउ सिंपैथो, अब यहाँ पर बताएगा सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, मैंने आपको पहले भी रेस्पिरेटरी में पढ़ाया था। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बिल्कुल वो एक्शन दिखाती है जैसा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाता है। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स जैसे कि एड्रीनालिन, ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज कर देगी और ब्रोंकियल एस्थेमा में क्या हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। अगर किसी को एस्थेमा हो जाए ना, अगर कोई एस्थेमा का पेशेंट है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है पैरासिंपैथेटिक एक्शन की वजह से। तो ऐसे केस में अगर आप उनको एड्रिनालिन जैसी दवाई दे रहे हो तो ब्रोंको डायलेशन कॉज करेगा जिससे क्या होता है पर्सन को सांस आनी शुरू हो जाती है। बस इसके साथ आपकी एनाटॉमी ख़त्म भाई। लंग्स के हमने पार्ट्स पढ़ लिए, फिशर्स पढ़ लिए, लोब्स पढ़ लिए, सरफेसेस पढ़ ली, प्लेन्स पढ़ लिए, आर्ट्रियल और वीनस ब्लड सप्लाईज पढ़ ली हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, तो एनाटॉमी ख़त्म आपके लंग की। इसके अलावा जो पार्ट थे वो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी भी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी में कोई चीज़ बाकी रह गई है तो आप पुराने पेपर्स उठा करके देखिए और मुझको इन्फॉर्म करिए, मैं आपको वो टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी। मेरे अकॉर्डिंग एनाटॉमी कंप्लीट हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।